गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया और एक्सपायरी से अच्छा दिन क्या हो सकता है। अभी जो मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ ना, मज़ा आ जाएगा। पहली बात तो कल मैंने हाई कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट किया था मेरा कल मेंबर्स कम्युनिटी में, उसमें 50,500 बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया था 98 पर, वो 800 समथिंग हिट कर दिया है ना, 8-10 गुना हो गया। ठीक है, तो पहली बात, मार्केट इज़ बैक टू स्विंग ट्रेडिंग मोड। ठीक है, हाई कन्विक्शन ट्रेड तक एक तरफ तो बड़ा मूव आना है, एक्सपायरी पे आ गया, ये बहुत बढ़िया होगा। अब आगे क्या, तो एक चीज आज मार्केट में खास हो रही है वो ये है कि निफ्टी रेड में है, निफ्टी रेड में, और बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा ऊपर है। भाई ये रेयर सिनेरियो, रेयर इंस्टेंसेस होते हैं, है ना। एकदम परफेक्ट टाइम पे वीडियो डालता हूँ तो बहुत ध्यान से समझना अभी जो भी बताऊंगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है ना, बिल्कुल लाइव मार्केट में दिख रहा है। तो इस तरह का डाइवर्जेंस पहले भी हुआ होगा, जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं उन्हें पता ही है, सब इतना ही बड़ा डाइवर्जेंस या इससे बड़ा हुआ था एग्जिट पोल वाले दिन, पहले भी हुआ है ना। तो ये डाइवर्जेंस देखने के लिए हम रेशियो चार्ट्स यूज करेंगे। बैंक निफ्टी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ निफ्टी से, तो किस तरह की कैंडल बनेगी आज। आज अगर बैंक निफ्टी बहुत ऊपर है और निफ्टी बहुत नीचे है और दोनों को डिवाइड करें तो बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी आप, राइट। तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल। अब इसमें बिग कैंडल वाला एनालिसिस भी कर सकते हैं, मैं यार जिम में जाऊँगा अभी, उस डिटेल में नहीं जा रहा। बिग कैंडल मैं आपको जो काम की बात है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है ना, यहाँ पर इसने 3 जून है ना, 3 जून को ये पीक लगाया था और उसके पहले भी 30 अप्रैल को है ना, अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड में है। इसमें मैं आपको दिखा ये रहा हूँ कि केल्टनर चैनल पे देखो आप इस चार्ट की पोजीशन कहाँ पर है ना। मैं क्या बोलता हूँ, लाइफ टाइम हाई पर केल्टनर चैनल पकड़ लो। आप लोग कमेंट आते हैं जिंदगी भर का पैसा कहाँ जाएगा, केल्टनर चैनल अप स्विंग डाउन स्विंग ट्रेड करके है ना। और इलेक्शंस वेबिनार पे तो 91% लोग लर्निंग प्लस अर्निंग है ना, तो वो तो नेक्स्ट लेवल काम हुआ है, ठीक है। तो ये देखो कल्टर चैनल पे यहाँ आ गया है, इलेक्शन प्री इलेक्शन डे यानी एग्जिट पोल के दिन ये टॉप पर था। मे बी थोड़ी बहुत और गुंजाइश है, डेविएशन और चले, निफ्टी थोड़ा और नीचे, बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी आया था। देखो यहाँ पर जब आ रहा है तब निफ्टी मतलब अपना ओवरऑल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पर भी आया था टॉप पे। बेसिकली ये दिखा ही रहा है कि बैंक निफ्टी में को पंप किया जा रहा है, बैंक निफ्टी को है ना। तो ये पैटर्न्स अगर हम इसको देखें कि जब बैंक निफ्टी को पंप किया जाता है वर्सेस निफ्टी, तो ओवरऑल मार्केट अगले 2-4 दिन में, 1-2 हफ्ते में किस तरह से रिएक्ट करता है ना। तो इस पर मैं अगेन केल्टनर चैनल यूज़ कर रहा हूँ, कर लिया है ना, लगा दिया है। इस पर निफ्टी लगाते हैं ना कंपैरिजन। तो अब ये पॉइंट्स आप देख लो सारे है ना, यहाँ पर देखो ये आप देखोगे कितने परफेक्टली इसने हर बार टॉप्स प्रेडिक्ट किए हैं, बिल्कुल कल्टर चैनल के टॉप पर है ना, लगभग कल्टर चैनल का टॉप के आसपास भी आया है परफेक्ट। एक डिप तो दे ही देता है निफ्टी बड़े आराम से, बस ये कि अभी यूएस मार्केट फुल ऑन बुलिश है तो कहीं कुछ ट्रिगर है नहीं, तो चल रही है गाड़ी, गाड़ी चल रही तो बढ़िया है। 98 का बैंक निफ्टी का कॉल 800 हो जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ हिट किया था ना कहीं, देखो कुछ एक्सेप्शंस भी दिखेंगे, जैसे कि ये ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था ये है ना, तो अप ट्रेंड में इसने ये दिखाया, तो 2-4 दिन रेंज में रहा लेकिन कंटिन्यू रहा यहाँ पर भी, क्योंकि ये मार्केट बड़े डाउन ट्रेंड से रिकवर कर रहा था, तो ऐसे एक्सेप्शन भी दिखेंगे। बट लाइफ टाइम हाई के पास, अभी हम लाइफ टाइम हाई के पास है ना, तो लाइफ टाइम हाई के पास के सिनेरियोस देखो आप है ना, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो केल्टनर चैनल के टॉप पर, यहाँ पर कहीं कहीं एक्सेप्शन भी दिखेंगे, ये तो केल्टनर चैनल क्रॉस ही कर दिया था यहाँ पे है ना, तो आप देखो फॉल भी उतना ही शार्प रहा ना, कहीं कहीं पर एक रैली दी मार्केट ने, फिर लंबा नीचे गया
ठीक है, तो मोस्टली आपको यही दिखेगा कि कैल्ट्रा चैनल के टॉप पर अगर बैंक निफ्टी डिवाइड बाई निफ्टी हिट कर रहा है, तो अब आने वाले दिन जो है बड़ा इजी मनी है ना। नेट शॉर्ट साइड, नंगा शॉर्ट नहीं है, नंगा नंगा पुट की तो चीखें निकल गई, है ना, नंगा पुट बिल्कुल नहीं। ये देखो ठीक है, लगभग टॉप के आसपास एक डिप, छोटा सा डिप दे दे या बड़ा करेक्शन दे दे, जो भी दे दे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंट्राडे शॉर्ट टर्म एक्सपायरी मार्केट स्विंग देते रह सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा पैसा है पोजिशनल। जुलाई बजट, बहुत बड़े स्विंग्स आएंगे बजट में, है ना। तो मैंने किया ये है कि मेरा जो बजट का वेबिनार है उसमें सेक्टर्स, स्टॉक्स, इंडेक्स सब कुछ एक ही जगह कोलेट किया है, पूरा डेटा एनालिसिस सब, और क्या मेरी ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, उस पर मैंने 50% डिस्काउंट कर दिया है। लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी, मोस्टली तो सारे लोग ज्वाइन कर चुके हो, है ना। कोई बचा हुआ है तो देख लेना, है ना, कर लेना ज्वाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।